हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ गुजिया की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत कम टाइम में बनकर रेडी हो जाती है। और आज मैं बता रही हूँ बहुत अलग तरीक़े से मैं बनाना बताऊँगी। तो ये देखिए, मैं कटिंग कर रही हूँ, कितना प्यारा सा दिख रहा है ना, और बहुत ही यम्मी लगती है ये गुजिया, और बनाना बहुत ही ईजी है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ 1/3 चीनी। आपको मीठा पसंद है तो आप बढ़ा सकते हैं 1 से 2 चम्मच। तो यहाँ पे मैं आधा चीनी जो पीसी हुई थी ना, मैं आधा हटा दूंगी, अलग रख दूंगी। और यहाँ पे 6 पीस मैं काजू और बादाम ले ली हूँ, और उसी में मैं ग्राइंड कर ली हूँ। तो ये देखिए ग्राइंड हो चुका है बहुत ही अच्छा से। तो अब ये देखिए, मैं बिस्किट ली हूँ पार्ले जी का, ये 20 है बिस्किट, और ये मैं बिस्किट से बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको ग्राइंड कर लेंगे नहीं है। एक हमको फाइन सा पाउडर चाहिए, तो हमको अच्छे से हम इसको ग्राइंड करके फाइन सा पाउडर बना लेनी है। तो यहाँ देखिए, ये बिल्कुल पिसा चुका है, अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मतलब रह जाता है ना, नहीं पिसाता है। तो ये अच्छे से हम एक छन्नी लेंगे और छन्नी से छान लेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत ईजी से ये छना जाता है। और अगर रह गया हो तो आप दोबारा भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा रह गया है, तो मैं अलग हटा दूंगी इसको। तो ये देखिए कितना अच्छा से ये फाइन सा पाउडर बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, और जो मैं पीसी हुई थी काजू बादाम चीनी उसको भी हम इसमें मिला देंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये देखिए कितना अच्छा से ये मिक्स हो रहा है फ्रेंड्स। ये मिठाई गुजिया बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये देखिए, हमको यहाँ पे 4 से 5 हमको दूध चाहिए, मतलब मिल्क। ये ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो आपको इस बात को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए अच्छे से हम बाइंड करना है हमको। और आपको सूखा लगे तो आप 1 से 2 चम्मच आप रख सकते हैं दूध। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कलर ऐड करेंगे, केसर फूड कलर है। आप चाहें तो कोई भी कलर में बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है ये गुजिया, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए बाइंड हो चुका है, और ये देखिए कितना अच्छा से बाइंड हो गया है, और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, और सॉफ्ट डो हम लगाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक टॉपिंग बनाएंगे अंदर भरने वाली। तो 2 चम्मच मैं नारियल का बुरादा ली हूँ, और 2 चम्मच मिल्क पाउडर, और 2 चम्मच मैं ली हूँ शुगर यानी चीनी पीसी हुई थी जो मैं अलग हटाई थी ना उसको। और इसको हम अच्छे से मिक्स करके हम इसको बाइंड करेंगे अच्छे से दूध से मिला करके। 2 चम्मच मैं दूध रखी हूँ। तो ये देखिए बहुत ईजी है फ्रेंड्स, ये गुजिया बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी। आप कहीं भी बैठ के बना सकते हैं बिना गैस जलाए हुए। देखिए अच्छे से बाइंड हो गया है, हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा। और तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप 1 से 2 चम्मच चीनी बढ़ा सकते हैं। ऐसे भी पार्ले जी के बिस्किट मतलब वो मीठी होती है, तो वो मतलब आप चीनी कम भी डालेंगे तो चलेगा। तो ये देखिए बाइंड सा मैं बना ली अच्छे से। तो अब इसको हम यहाँ पे देखिए, मैं छोटे छोटे बॉल बना लूँगी, और इसको हम जैसे गुजिया बनाते हैं ना वैसे आपको बेलन से बेलनी है अच्छे से। तो ये देखिए मैं बता रही हूँ, तो ऐसे आपको करके जैसे पूरी बेलते हैं ना वैसे आपको बेल लेनी है। और हम साँचा लेंगे, गुजिया बनाने वाला साँचा जो होता है ना ऐसे, तो ऐसे ही आपको रख लेनी है। और जो व्हाइट वाला मैं स्टफिंग बनाई थी ना उसको मैं भर लूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा से ये बहुत ही फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत ही ईजी है बनाना, और खाने बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये देखिए आपको हल्के हाथों से आपको दबानी है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबानी है, नहीं तो ये फट जाएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा सा बन के रेडी हो चुका है ना, बहुत ही यम्मी सा दिख रहा है। तो फिर से मैं दूसरा में बना लूँगी। तो ऐसे ही आपको पूरी जैसा मतलब बेल लेना है, और आपको ऐसे सचा पे रख करके ऐसे देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, बता रही हूँ। तो ये आपको ऐसे ही भर लेनी है, और उसके बाद आपको हल्के हाथों से फ्रेंड्स आपको दबानी है। और ये देखिए कितना प्यारा सा बन के रेडी हो गया है। तो ऐसे ही हम सारे गुजिया बनाकर रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए 6 ठो बन के हम बना करके हम तैयार किए हैं। और यहाँ पे मैं सिल्वर वर्क लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं लगा रही हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं पिस्ता कटिंग करके डाल रही हूँ। तो अब मैं कटिंग करूँगी। ये देखिए कितना प्यारा सा कटिंग हो रहा है, बहुत ही यम्मी सा कटिंग।
और कितना प्यारा लग रहा है ना, देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा था फ्रेंड्स, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक ले।